मैं आपको मेरे प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या बात हुई कैसे बताऊं? मैंने उनको बधाई दी जिस तरह से उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल किया. बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन थी एंड इस सिचुएशन को उन्होंने जिस तरह से हैंडल किया है कोई नहीं हैंडल कर सकता था उस तरह से. और आई थिंक ही डिज़र्व्स, उनकी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है जितना उनका क्रिटिसिज्म होता है. जब यू नो मतलब इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट that he is so devalued as a leader of the country that it is heartbreaking. So I think I just expressed my gratitude aap logo ke sabke behalf se ke we are absolutely grateful that the way he has handled the situation and we feel safe in his leadership. That's the kind of conversation we had. मुझे तो नहीं लगता मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगी क्योंकि आई रियली डोंट थिंक सो मीत बिकॉज आई हैव नो रीज़न नॉट टू बिकॉज एम आई कंसर्न अबाउट द कंट्री. आई एम एब्सोल्युटली कंसर्न, लेकिन कुछ तो चीज़ होनी चाहिए जो आप पैसों के लिए ना करें ज़िंदगी में. आई थिंक एज अ पॉलिटिशियन फिर भी आप मुझे कह सकते हैं कि यार इसका तो मतलब है, कह सकते हैं ना, चार लोग कह सकते हैं मुझे, बिकॉज पॉलिटिशियंस चाहे उनको 200 रुपये सैलरी भी मिलती हो फिर भी लोग कह देते हैं कि इन्होंने करोड़ों का घपला किया, राइट. लेकिन एज एन एक्टर तो आप मेरी इंटेंशन पे कभी डाउट कर ही नहीं सकते. जो मैं देश के लिए कह रही हूँ, ये सब लोगों के मैंने अभी नाम लिए हुए हैं, आपको क्या लगता है ये लोग इतने बड़े बड़े खंजर निकालेंगे? और जो भी आप अनाप शनाप अभी न्यूज़ पढ़ेंगे पेपर में मेरे बारे में, उन्हीं के पीआर ने करी होगी, यू नो. सो आई नो ऑल ऑफ दैट, आई नो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट आई हैव सेड, बट आई एम ओके विद दैट. लेकिन ये किसी को तो कहना पड़ेगा. और मुझे बहुत गुस्सा था, आप लोग नहीं कहते हैं, आप लोग इन लोगों से सुन के लेते हैं, आप लोग कुछ नहीं कहते इन लोगों को, यू नो. सो एडवांस हैप्पी बर्थडे. थैंक यू सो मच सुमित. हाँ जी, मैं मनाली में हूँ. भगवान करे, भगवान करे, इंशाल्लाह हम लोग ऐसा दिन आए कि हम लोग सब मनाली में जाएं और बर्फ में इंजॉय किए करें, दारू पिए. क्या क्या गिफ्ट आई वॉन्ट? आई थिंक देश के लिए हम लोग यही चाहते हैं. देखिए हमारा देश आगे आएगा, हमारे देश की तरक्की होगी, तो आप देखिए हम लोग कितना अब हमारे देश की पर्सनैलिटी आज पूरे विश्व में जैसे हमारे देश की बात हो रही है, जब उससे भी ज़्यादा हमारी पर्सनैलिटी बनेगी. आज लोग मुझे कहते हैं कि आई एम वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन इंडिया, यू नो. सपोज अगर हम लोग इंडिया इज़ बेस्ट इन द ग्लोब, सो आई वुड बी द बेस्ट एक्टर ऑन द ग्लोब. यू विल बी द बेस्ट जर्नलिस्ट ऑन प्लैनेट अर्थ. सेंटर यहाँ पे मैम, यहाँ पे मैडम हेलो संजय. मैडम इकडे समोर, मैडम इकडे समोर, इकडे बघा. थैंक यू. लास्ट क्वेश्चन. अम्मा
जाएगी. I thought you asking Ankita questions. हाँ सुनो. पूछी पूछी. ऑफ कोर्स लगती है आपको. मैंने उस दिन भी इस चीज़ का जवाब दिया था कि आपकी जब डेब्यू फिल्म होती है और वो इतना अच्छा करती है और 100 crores करती है, तो मेरे लिए इससे मतलब सब कुछ ही नया है यहाँ पर और सब कुछ बहुत मेरे लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं हमेशा से फिल्म करना चाहती थी और मैं कर रही हूँ और मेरी 100 crore कर ली और कंगना ने डायरेक्ट की, सो इससे बड़ी चीज़. बट आई पर्सनली फील दैट द काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेज अंकिता हैज़ वर्कड, द काइंड ऑफ सिचुएशन शी हैज़ वर्कड, शी डिजर्व्स अ much bigger and much better debut. That's my feeling as a director. हमने जो गाना शूट किया है वो अंकिता ने हाफ नाइट में किया है, जबकि वो गाना आइडियली 12 दिन शूट होना चाहिए था, बिकॉज दैट इज़ हाउ अ रेगुलर सॉन्ग ऑफ दैट नेचर इज शॉर्ट फॉर 10 to 12 days. अंकिता ने वो आधी रात में किया है बिकॉज ऑफ बजट कंस्ट्रेंट्स, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन वी वर इन, शी डिड नॉट हैव इवन टाइम टू डू अ सेकेंड टेक. तो आप सोच सकते हैं हमने किस सिचुएशंस में फिल्म शूट की है. शी डिड नॉट, वी डिड नॉट इवन हैड द टाइम टू इवन कर्ल हर हेयर. सो कहने का मतलब है आई फील शी डिजर्व टू बी यू नो लिट मोर ब्यूटीफुली एंड शी डिजर्व्स अ बेटर डेब्यू, बट एनी वे देर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो फॉर हर. जी ऑफकोर्स, अब इतनी बड़ी फिल्म हुई है, सक्सेस हुई है, तो पार्टी तो बनती है ना, तो वो तो होना ही था ऑफकोर्स. तो मैंने आपको बता दिया, ऐसे तुक्के में बताया था कि होगा, पर ये होना ही था. आई थिंक कंगना में एक दूसरे का, आई थिंक डेफिनेटली, बट अंकिता शुड डू लीड रोल्स. थैंक यू कंगना, थैंक यू सो मच. And Kangana is my godmother. I have declared that anyway. I have been saying this to Kangana also, phone karke. Kangana, you're my godmother. I don't have any godfather, but I have a godmother. So definitely she's my godmother now. Thank you. Sumitji. Sumitji, done. Ek second, ek second. Sumitji, boliye. Last question, guys. वेल आई थिंक इलेक्शन से मैं नहीं, मेरा ऐसा इलेक्शन से कोई जुड़ने का इरादा नहीं है. काफ़ी लोगों को ये भी गलत फहमी है कि मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 0% चांसेस भी नहीं है. मगर क्या मैं एक ऐसी युवती हूँ कि जो देश में हो रही चीज़ों से, कुछ ऐसे एक्टर्स हैं मैं जानती हूँ. आई थिंक इसका मैं इंटरव्यू देख रही थी, आई थिंक विद अनुपमा, देयर वाज रणवीर और आलिया और समबडी लाइक दैट, जो कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बोले, हमको हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया. सो ऐसे नहीं चलता, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल. आई थिंक रणबीर कपूर वॉज टेलिंग समबडी के मेरे घर में तो बिजली पानी आता है, मैं क्यों पॉलिटिक्स से, यू नो. सो हाउ, ये देश ने आप, उस देश की वजह से आपका घर है, ये देशवासियों का ही पैसा है जो जिससे करके आप मर्सिडीज में बैठते हैं. हाउ कैन यू टॉक लाइक दैट, हम तो फिल्मों में काम करने वाले हैं, हम कैसे पॉलिटिक्स की बात कर दें. दिस इज़ इररिस्पॉन्सिबल. क्या मैं वैसे इंसान हूँ? नहीं. उससे मेरा करियर भी चला जाता तो चला जाए. मेरे घर में बिजली पानी नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे किसी की पड़ी नहीं हुई है. सो दिस हैज़ टू चेंज, एंड आप लोगों को चेंज करना चाहिए, ये इन लोगों को सुनाना चाहिए. हाउ कैन यू लिसन टू दिस के आई कॉन्ट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, मुझे तो सबसे बना के चलना है. यू शुड नो, यू शुड टेल पीपल व्हाट यू थिंक इन अ डेमोक्रेसी. आप बताइए पिछले 5 साल कैसा काम हुआ, उस हिसाब से यू चूज योर लीडर. यू शुड टॉक अबाउट योर पोलिटिकल इंक्लिनेशन, हु वट डू यू थिंक एज अ यूथ ऑफ दिस कंट्री, वट डू यू थिंक. यू कैन नॉट से मेरे घर में बिजली पानी आता है, मुझे तो क्या लेना देना. दिस इज एब्सोल्युटली इररिस्पॉन्सिबल. और इतना क्या करियर प्यारा हो गया है इनको कि इनको देश की कुछ नहीं पड़ी हुई. सो दीज पीपल शुड बी आस्क, ये आप लोगों का काम है, मेरा काम नहीं है. मैं अब आप लोगों का काम भी करने लग गई हूँ. देखो मैम, इंडस्ट्री में एक चलन है कि जो सरकार रूल में होती है उसके गुण गान गाए जाते हैं. पहले 7 साल में एनडीए यूपीए था तो उसके गुणगान इंडस्ट्री गाती थी, अब एनडीए की सरकार है तो उनके गुणगान गाती है इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री. देखिए थोड़ी अपॉर्चुनिस्ट है आपको लगता है? वेल आई जस्ट फील
in a democracy, shift of power when happens, it's okay to be positive for a government, but if you feel that the government is not showing any response, it's okay to call them out on that. It's not that you shifted your opinion or you're being, you know, sort of an opportunist or like that. So it's fine to show positivity for an elected candidate and to be like, okay, fine, we have a lot of faith in this person. There is nothing wrong in that. Mm-hmm. And, you know, as talking about, I mean, about me, I mean, I think I have had a very, you know, wide exposure of how things change in person's life. Jaise desh mein cheeze change hoti hai, humare upar bhi, humare personally bhi life change hogi. So, ye bahut important hai, hum desh mein interest lein, because hum deshi to hain. Hum kaun hain? So, ये बहुत ही मूर्खता की बातें ऐसे करना, मुझसे कुछ मत पूछो प्लीज, मेरी वो इंडोर्समेंट ना चले जाए या मेरे को वो कुछ, दिस इज वेरी वेरी स्टूपिड. एंड आल्सो व्हाट यू वांट, व्हाट यू वांट टू, वेल देखिए हम लोग आई थिंक अगर अगर इस देश में कोई है जो इस देश को संभाल सकते हैं और कोई है जो इस देश को इसकी जो बुरी स्थिति है, जैसे कि 50% हमारे लोग जो है मेल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं और जिस तरह से हमारे बॉर्डर्स पे हमको सताया जाता है, हर कोई आके हमारे ताज में, मतलब माई फ्रेंड, अ वेरी डियर फ्रेंड जिनकी जो एक्टर भी हैं मेरे साथ धमाल में काम कर चुके हैं, उनके भैया और भाभी डिनर कर रहे थे और उनको दे आर शॉट इन दैट. तो आप कहते हैं कि आपको देश से कुछ लेना नहीं देना, कल को मेरी बहन जा सकती है डिनर करने अपने दो बच्चों को छोड़ के मेरे पास. तो आप कैसे कह सकते हैं आपको देश से कुछ लेना? इतनी बुरी तरह से देश में आतंक को फैलाया हुआ है, करप्शन को फैलाया हुआ है, मेल न्यूट्रिशन इतना ज़्यादा हो गया है, हमारी रिवर्स ख़त्म हो रही है, ग्रीन कवर ख़त्म हो रहा है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दैट? आप अपने घर में, आपको नींद कैसे आती है जब हमारे बॉर्डर पे इतने सारे बच्चे मर रहे हैं? आपको, आप सो कैसे जाते हैं और आपकी हिम्मत कैसे है इस डेमोक्रेसी में ऐसा कहने की कि मुझसे पॉलिटिक्स के बारे में मत पूछिए? और आई थिंक मयंक शेखर को रणबीर कपूर वो इंटरव्यू दे रहा था जब उसने कहा मेरे घर में बिजली पानी आती है, हाउ डिड ही नॉट आंसर हिम बैक? हाउ डिड ही नॉट मेक हिम सिट एंड आस्क हिम टू गेट लॉस्ट फ्रॉम देयर? हाउ डू यू ऑल टॉलरेट दिस इन अ डेमोक्रेसी लाइक दैट? एंड देन यू मेक दीज पीपल योर रोल मॉडल्स? हाउ डज दैट वर्क? सो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क. सी आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया कि पॉलिटिक्स में आना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स में आकर ही बात नहीं की जाती. एज अ ह्यूमन, एज अ इंडियन, यू नो, हम लोग यहाँ खड़े और हम लोग यहाँ रहकर भी, इस पोजीशन में रहकर भी वो सारी चीज़ें कह सकते हैं जो शायद पॉलिटिशियन नहीं कह पाते. सो आई थिंक एज एन एक्टर दिस इज आवर अपॉर्चुनिटी कि हम लोगों को लोग कहीं ना कहीं रोल मॉडल समझते हैं एंड शी कैन टॉक अबाउट इट एंड पीपल कैन फॉलो हर. सो आई थिंक शी डजंट नीड टू गो टू पॉलिटिक्स लाइक प्रॉपर पॉलिटिक्स. शी कैन बी हियर, स्टैंड हियर एंड टॉक अबाउट इट एंड पीपल कैन फॉलो इट. So that's what I think.